भाई प्रॉब्लम ये है कि पिछले 4 दिन से प्रीमियर प्रो बार बार क्रैश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स द रीज़न मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया पिछले 4-5 दिन में। बट आई होप कि ये वीडियो सही से रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर एडिट नहीं भी हो पाया यार तो फ़ोन से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी फॉर द प्रीवियस वीडियो। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे DM किया, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए, कुछ लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया मेरा वीडियो देख के। तो इतनी खुशी बहुत सारे लोगों को मेरे मीम्स बहुत पसंद आए तो पिछले वीडियो में, तो मैंने कहा वो ट्रेंड को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में भी, एंड लेट्स सी द रिस्पांस। बट यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे एक्सप्रेस करनी है आप लोगों के साथ, जिसके बारे में पिछले 2-3 दिन से सोच रहा हूँ, और वो ये है कि आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पर एक टॉपिक देखा होगा जो कि न्यूज़ में भी काफ़ी है, अबाउट बॉयज़ लॉकर रूम। हाँ, पिछले 7 से 10 दिन में आपने इस वर्ड के बारे में, मुझे पूरा भरोसा है, सुन लिया होगा। और जिस तरीके से लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया जब ये न्यूज़ बाहर आई थी, अ लॉट ऑफ बिग इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, एक्टिविस्ट एक्चुअली स्पोक अबाउट इट, एंड दे एक्सप्रेस देयर रेज, अग्रेशन, एंगर, मतलब जितना भी फ्रस्ट्रेशन था उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्रेस किया, जो 100% जायज़ है। मतलब येस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरीके से चीज़ें पोट्रे हुई थी, आपका गुस्सा करना, आपका इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू होना और ऐसी बातें करना जो लोग कर रहे हैं, जो उसमें लिखी हुई थी, वो गलत हैं। बट यार जब रियलिटी बाहर आ गई एंड नाउ इट इज़ प्रूवन विद द न्यूज़ कि उसके पीछे एक लड़की थी जिसने एक फेक अकाउंट बनाया, और उस फेक अकाउंट से उसने वो पूरी चैट्स लिखी टू चेक वॉट एवर ऑथेंटिसिटी या जो भी है यार। अब इस टॉपिक के ऊपर उन्हीं लोगों ने एक मैसेज या एक कम्युनिकेशन भी नहीं किया है, मतलब नाउ दे आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक दिस। सोचता हूँ कि एक्चुअली ये लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और कोई भी टॉपिक होता है जिसके बारे में ये अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, आर दे रियली डूइंग इट टू एक्सप्रेस समथिंग विच दे रियली मीन एंड बिलीव, और इज इट जस्ट लाइक हैशटैग लाइक्स, हैशटैग व्यूज, हैशटैग कमेंट्स, हैशटैग विजिबिलिटी, एंड यस हैशटैग फेमिनिज्म। बताया था मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में अबाउट ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर्स यार, कि कौन एक्चुअली में आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है और कौन सिर्फ लाइक्स, कमेंट और व्यूज के पीछे भागता है। कुछ याद आया? यस यस यस। तो यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट द इन्फ्लुएंसर्स दैट यू ऑल्सो मस्ट हैव सीन टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक फ्यू डेज बैक, बट देन हैव यू चेक्ड आउट एनी स्टोरीज और पोस्ट रिसेंटली फ्रॉम देम? इफ यस, प्लीज मेरे साथ भी शेयर करो यार, मुझे जानना बहुत जरूरी है कि कौन एक्चुअली वो जेन्युइन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस टॉपिक के बारे में अभी भी केयर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो यार चलो ठीक है, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं, सबका अपना अपना सोशल मीडिया, एंड दे वांट टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स व्हिच दे फील लाइक टॉकिंग एंड व्हेनेवर दे वांट अ टॉपिक बिकॉज़ इट्स देयर लाइफ, देयर रूल्स, राइट। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं गाइज, और आज की ताज़ा खबर आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी कि लॉकडाउन सीजन 4 आने वाला है। तो लॉकडाउन के सीजन 4 में क्या टास्क, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको मिलने वाली है, वो मैं 18 तक तो पता चली जाएगा। मैं भी विश कर रहा हूँ यार कुछ ना कुछ चीज़ें खुलेगी, बाहर स्टेप कर पाऊँ, बट देन आई हैव टू वेट टिल 18। पर एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मोदी जी ने पूरे के पूरे लॉकडाउन ड्यूरेशन में नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, मैक्स प्लेयर, वूट, जितने भी सब्सक्रिप्शन है ना, सबको सब्सक्राइब किया है और बहुत सारी टीवी सीरीज और शोज देखे हैं। उन्होंने लिटरली लॉकडाउन को इतने अच्छे तरीके से 4 सीजन में डिवाइड कर दिया है कि मैं आपको सीजन 1, 2, 3 डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। सीजन 1 किसी भी सीरीज का आता है तो उसमें चाहिए होती है एक्सट्रीम वायरलिटी, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक सीजन 1 का उन्होंने निकाला, भाई बर्तन पीटो। बर्तन पीटने पे जो कंटेंट बना सोशल मीडिया पे, और भाई जो लोगों ने उसको वायरल किया है, मीम पेजेस को तो मतलब सालों का कंटेंट मुझे लगता है मिल चुका है, जब भी लॉकडाउन खत्म होगा इसको तो वो ज़रूर याद करने वाले हैं। पूरी की पूरी वायरलिटी उन्होंने सीजन 1 में इस पर्टिकुलर एजेंडा से निकाल दी, अच्छी TRP मिल गई भाई मोदी जी, कॉन्ग्रेट्स, सीजन 2 बनाना चाहिए। लॉकडाउन के सीजन 2 में मोदी जी ने इमोशनल क्वेश्चन डाला पूरे देश में और बोला, भाई दिवाली आप इस साल मनाए ना मनाए, यही राइट टाइम में मना लो, दिए, मोमबत्ती, कैंडल वैंडल, जितनी भी मोमबत्ती कैंडल एक ही मतलब, हाँ भाई समझ लो यार, जितनी भी चीज़ें घर में थी लोगों से जलवाई और पूरे के पूरे देश ने दिवाली मनाई, तो इमोशनल बॉन्डिंग हो गई पूरे देश में कि भैया एवरीबॉडी स्टूड टुगेदर एंड सेलिब्रेटेड।
सीजन 3 एक्चुअली मोदी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। हम लोग घर पे बैठे बैठे इतने पागल हो चुके थे कि कॉन्ट्रोवर्सीज लाइक बॉयज लॉकर रूम, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो आप देख ही रहे हो, जो पता नहीं अब कब तक चलेगा। बट ये भी मोदी जी ने बहुत सही टाइम पे प्रेडिक्ट कर लिया कि अब इन चीजों का ट्रेंड धीरे धीरे गिर रहा है। तो मित्रों, मेरे नए प्लान के मुताबिक, और उसके बाद उन्होंने कल आके अनाउंस किया। तो भाई अब इस पर्टिकुलर सीजन में क्या होने वाला है ये तो हमें 18 तारीख तक पता चल ही जाएगा। पर यार मैं तो चाहता हूँ ना एक्सटेंड ही हो जाए तो अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मां की। अरे रुको रुको, डिसलाइक मत कर देना इस बात पे यार। मैं ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे लिए लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाए, बिकॉज इट्स बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। मैंने एक्चुअली सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट था, अब वो मैं खुद से मैनेज करता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, ये जो चीज़ है टॉकिंग टू द कैमरा, आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ। मतलब आई यूज टू शिवर, आई यूज टू स्टैमर अ लॉट वाइल डूइंग दिस, बट नाउ आई फील अ लॉट कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू द कैमरा। मुझमें बिल्कुल भी ये टैलेंट नहीं था, बट लॉकडाउन की वजह से मैंने इसको एज अ हॉबी लिया और मैंने स्टार्ट किया। आई हैव सीन अ डिफरेंस बिटवीन माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो एंड टूडेज वीडियो, सो आई नो द जर्नी एंड आई थिंक ऐसे ही लोग सीखते हैं और ऐसे ही लोग ग्रो करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, लाइट रूम की लर्निंग्स जारी हैं। धीरे धीरे एडिटिंग स्किल्स भी बेटर हो जाएंगे, धीरे धीरे कॉन्टेंट और बेटर हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी नहीं है जिससे मैं वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ। तो जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, आई हैव टू बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक थिंग्स मोर बेटर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे सब चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब करके रखना। आई विल प्रॉमिस आई विल मेक वे मोर बेटर कॉन्टेंट देन दिस। बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट करके रखे हैं, बट घर के अंदर और घर के थोड़ा बाहर जाके वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। उसके अलावा यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है इमोशनल डिस्टेंसिंग मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ भाई, इमोशनल डिस्टेंसिंग नाम की भी एक चीज होती है। मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया था, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज डू गो एंड चेक इट आउट। आप वीडियो देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही रखते हैं, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बनाने के लिए। जितने भी मैसेजेस थे जो मैं पिछले 4 दिन से नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा था, वो मैंने इस वीडियो में कंपाइल करके कर दिए हैं आपके साथ शेयर। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ तक देख लिया है तो लाइक भी कर देना यार, और अगर डिसलाइक करना है तो प्लीज़ वो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया। फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्रिएटर्स एंड ऑल द पीपल हु स्टार्ट देयर जर्नी एट दिस लेवल। हमें पता चलता है कि आपको कैसा कंटेंट देखना है, क्या चीज़ नहीं पसंद आई जिससे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू गिव अ फीडबैक सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। और ये जो कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं मुझे भी काफ़ी इरिटेट कर रहे हैं, शायद साउंड में आ जाएगा, तो प्लीज़ इसको अवॉइड कर देना और इसकी वजह से डिसलाइक मत करना। आई थिंक आई कैन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए। आप लोग को ना मैं कंटेंट क्रिएटर बनने की कुछ प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल है कि आपको भी यूट्यूब वीडियोस बनाने हैं, ये जो नॉइज़ आपने अभी सुना, अगर ये आपके वीडियो में आ रहा हो ना, इसको एडिट करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने एक माइक लगा रखा है और वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक है जो वन डायरेक्शन होता है, जैसे आप जब बात करोगे और जहाँ से साउंड माइक पर जा रहा होता है वो सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है, वेल एंड गुड। अभी मेरे पास इतना बजट नहीं कि मैं वो माइक खरीद पाऊँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, पंखा। अगर आपके घर में एसी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर पंखा भी चल रहा है ना तो उसकी नॉइज़ आएगी और जल्दी वीडियो से एडिट नहीं होगी। तीसरी प्रॉब्लम जो मुझे हो रही है ना इस वक्त, वो है मेरे बाल भाई। मतलब इतनी गर्मी हो रही है ना कि मन कर रहा है लिटरली ट्रिमर उठाऊँ और शेव कर दूँ। कॉमेंट सेक्शन बताओ, घर पर ट्रिम कर लूँ या लॉकडाउन खत्म होने का वेट करूँ?